नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। फरुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के गांव आमिलपुर में प्रधान पद की प्रत्याशी के पति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। परिजनों ने मृतक रविंद्र कुमार यादव की जहर देकर हत्या करने का लगाया आरोप। परिजनों के अनुसार प्रधान पद की प्रत्याशी रेखा देवी के पति रविंद्र कुमार देर रात गांव में ही किसी के घर में बैठे थे। वहां से घर आते ही अचानक मृतक रविंद्र कुमार की तबीयत खराब हो गई। गंभीर हालत में परिजन रविंद्र कुमार को आनन फानन में स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी निजी हॉस्पिटल फरुखाबाद शहर में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने रविंद्र कुमार यादव को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मचा कोहराम। परिजनों ने रविंद्र कुमार की जहर देकर हत्या करने का लगाया आरोप। पुलिस को दी सूचना। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश से संवाददाता समी उल्ला खान की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित यादव। ये जिनके साथ घटना हुई कौन है तुम्हारे, इनका क्या नाम है? मेरा भाई है रविंद्र यादव। क्या घटना हुई इनके साथ? गांव में थे तो आए घर पे, किसी ने जहर दे दिया, तुरंत खत्म हो गए घर आते ही। अच्छा, क्या कर रहे थे? प्रत्याशी थे इस्लाम वर्तमान में। ये प्रत्याशी इनकी ये प्रत्याशी वाइफ थी। अच्छा, चुनाव लड़ रही थी? जी जी। कितने बजे घटना है? रात करीबन ऐसे आए 8-9 बजे की। गांव में ही कहीं बैठे थे किसी घर? जी जी जी। अच्छा, तो तुरंत मौत हो गई? तुरंत घर आते ही हम तुरंत एकदम लेट गए, तो हम लोग फरुखाबाद लेके गए, वहाँ तुरंत मृत घोषित कर दिया। अच्छा ठीक। क्या नाम है आपको? राजेश कुमार। क्या घटना हुई भाई? किसी ने परिजन दे दो। किसे? राजेंद्र कुमार। ये कौन थे? हमारे भाई थे। ये क्या चुनाव लड़ रहे थे क्या? इनकी पत्नी लड़ रही थी। कितने बजे रात घटना हुई? लगभग 12 से 1 बजे के बीच में। कहाँ गए थे ये? कहाँ थे? कैसे क्या घटना हुई? गांव में थे, एक लोगों के यहाँ बैठे हुए थे। अच्छा, वहीं से आने के बाद तबीयत इनकी खराब हो गई? वहीं से आने पांच मिनट में ही तबीयत खराब हो गई। तुरंत ही लेके भाग गए फरुखाबाद के लिए। हाँ। फरुखाबाद हरदत्त के यहाँ दिखाया, उन्होंने मृत घोषित कर दिया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट व शेयर करें, और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।